चलो आ गया कि सारा वो क्या हम चला रखे ऊपर लो वो बंद करो एडजस्ट आवाज दे कितनी आवे कितना जिला बढ़ लिया बढ़िया बात है दो तो कुलसा रे दी रे काना मांग कर निकले छड़ियो अरे आवाज वे तीखी कितने जिले पढ़ लिए कौन सा एक तो पढ़ लियो अनूपगढ़ और दूसरा बालोतरा शाबाश होशियार होते तो तेल के जो कोई रिफाइनरी क्योंकि डाटा आने में 5 साल लग जाएंगे मान लो एक्चुअल किताब सही किताब निकलते निकलते 5 साल लग जाएगी अभी इन चक्रों में मत फंसना कि इस जिले का अक्षांश ये है देशांतर ये है कभी नहीं पूछे गए क्या आज से पहले किसी जिले का अक्षांश देशांतर पूछा गया था क्या तो अब थोड़ी पूछेंगे हर जिले का क्षेत्रफल का पूछा गया 4 बड़े जिले 4 छोटे जिले इसके अलावा किसी जिले का क्षेत्रफल पूछा है क्या आज तक की किसी एग्जाम में तो उनके चक्करों में मत फंसना अभी और अभी वो आंकड़े आए नहीं समय लगेगा जैसे मैंने बताया कि रिफाइनरी कहाँ आ गई बालोतरा में धीरे धीरे पता चलता है जब वीडियो के कमेंट देखते हैं तो नीचे लिखा मिला था कि सर तेल के कुएं अब भी बाड़मेर में ही है रिफाइनरी जरूर बालोतरा में आ गई है कि तेल के कुएं अब भी कहां है बाड़मेर में ही है तो ऐसे करते करते वक्त लगेगा डाटा आना में अब थाना बेर है मैं जितना निकाल के लिया कितनी माथा पच्ची करनी पड़े देखना पड़ेगा ये आ नदी ई जिले में आ गई तो अब इलम बच्ची है कौन बच्ची घटकर निकालू पूरे दिन नक्शा सा का माथो मार वो करा जब कोई डाटा निकल गया है थोड़ा बहुत करेक्शन भी हो सकता है बाबा पूर्णतः शुद्ध नहीं है क्योंकि अभी एक तो वह किताब है जैसे हिस्ट्री पढ़ानी है किताब ली पढ़ा पढ़ा दिया अब किताब तो है ही नहीं अब तो मैं खुद ही इकट्ठा कर रहा हूं इन्हें मीनू आदो इन काटा की नक्शन काटा की मीनू बातें काटा खुद ही बना रहा हूं तो समय लगेगा 90% बातें सही होगी 10% गलत हो सकती है 10%। अब देखो आपको बताया बीकानेर बीकानेर से 2 तहसीलें कटी कहां गई अनूपगढ़ में ऊपर गंगानगर है इधर हनुमानगढ़ है और इधर है हमारा चूरू ठीक है ये चीजें तो थी। अगर मैं पुराना मैप आपको दिखाऊं तो पुराना मैप में यह था सीकर सीकर की गोद में था झुंझुनू अब तो कट गया पुराना मैप और यहां था चूरू चूरू झुंझुनू और सीकर ठीक है तो बीकानेर था एक संभाग था अब भी है भी पहले भी संभाग था अब भी संभाग है तो बीकानेर के करियो आपको एक नए सदस्य जोड़ियो किसको जोड़ा अनूपगढ़ के बोल मेरे पास पहले से 4 कैंडिडेट थे पहले 4 कौन कौन थे बीकानेर चूरू गंगानगर हनुमानगढ़ इसने एक सदस्य और जोड़ने की कोशिश की यानी जोड़ लिया किसको अनूपगढ़ तो फिर मैं चूरू वाला रूस गए फूपो जी इन आ गया कट आ गया डोटासरा को एक वो डायलॉग सुने होगे बोलो खटके के नीचे रखांगा सुने होगे कौन सुने होगे बोलो अब चूरू ने मारा अंगूठे के तले रखांगा यानी क्योंकि सीकर बन गया संभाग संभाग बनते ही अब हमारा चूरू भी किधर आ गया सीकर में आ गया और यही सही है सही इसलिए कि जैसे आप चूरू वालों को देखोगे यहां से चूरू तो बीकानेर पड़ गया इधर और फिर जाओ राजधानी की तरफ इधर जैसे यहां किसी का एक्सीडेंट हुआ तो यहां से रेफर किया जाएगा चूरू पहले जिला हेडक्वार्टर पे जिला से जाओ संभाग पे फिर उस रेफर को ले जाते थे बीकानेर बीकानेर जाते कहते भाई जी जयपुर ले जाओ पाछा ओलाई पड़ती मारे पाछा इन जाओ 250 किलोमीटर आगे लोग लंबी मरमरा ले अब एक तो लिंक सही हो गया क्योंकि सबका लिंक जो है राजधानी की तरफ होगा चूरू वालों के अब फायदा हुआ है सीकर संभाग में आने से क्यों क्योंकि इधर चूरू चूरू संभाग फिर ने जो ची आगे उड़ जाओगे गठ है राजधानी यानी चूरू आ गया है बीकानेर से इधर तो बीकानेर 520 तो ही है किता 4 जिला तो लिखो बीकानेर संभाग साथ साथ में लिखना जाओ अभी उमदा सुंदा लिखी जाएगी बात ये बात तो बाद में होगी लिखो संभाग कितने हैं टोटल 10 लिखो बीकानेर संभाग में सीधा लिखो बीकानेर संभाग चारों जिलों के नाम लिख दो बीकानेर गंगानगर हनुमानगढ़ एक अनूपगढ़ बस
बीकानेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ प्लस अनूपगढ़ यानी चूरू किधर आ गया, सीकर में, यह ध्यान रखना। सीकर संभाग अभी पढ़ लेंगे, सीकर में कौन कौन से आएंगे, सीकर में कौन सा होगा, टेंशन लेने की जरूरत को नहीं। शेखावाटी में कौन कौन से जिले आते थे, सीकर, चूरू, झुंझुनू, ठीक है, प्लस सीकर से काट के एक और जिला बन गया नीम का थाना, आ लियो हो गया। लिखो सीकर संभाग में, सीकर संभाग में, सीकर संभाग में लिख दो, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना। ठीक है, अब देखा आप तीसरो जिलो कौन सो, यो रो ए कठहरे तू और दुद्दू और एकदम छोटो सो है, एकदम छोटो सो दुद्दू, क्षेत्रफल वगैरह अभी नहीं आया, अभी मत फंसना इसके चक्रों में। हेडिंग डालो तीसरो जिलो दुद्दू, बड़ो आओगो छोटो आओ, दुद्दू दुद्दू बड़ो आओ से देखा है, छोटो एक बड़ो इसमें क्या लिखे रहा है, दुद्दू बड़ो है, बड़ो है दुद्दू, आप छोटो है बाकी मात्रा बड़ी ले रहा है दोनों, दुद्दू सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल अभी नहीं आया है, सिर्फ लिखना है सबसे छोटा जिला किससे काटा, जयपुर से, लिखो जयपुर से काटकर, साथ साथ में लिखता जाओ, साथ साथ में समझता जाओ, जयपुर से काटकर। तीन ही उपखंड है, तीन ही तहसील है इसके अंदर, ओनली फॉर तीन तहसील, लिखो तीन उपखंड व तीन तहसील है, कुछ ही को नहीं, एक तो दुद्दू खुद वही गो, डीडी चैनल, कौन सो चैनल, एफएम, आलो तीनों तहसील लिखो, एक नंबर डी दुद्दू, दुद्दू, दो नंबर एप फागी, 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 बाबी नहीं फागी, फागी, तीसरी एम मोजम्माबाद, एम मोजम्माबाद, यानी दुदू तीन तहसील है, एकदम ईजी है, डी एक तो खुद दुदू, एप फागी, एम मोजम्माबाद, हालो जी। अब जिले की आकृति किसी का, किसी को नहीं, किसी बनाता है आकृतियां, की आकृति बना दे, अब तो कोई गाइडा काट के लाओगे, अब देखो इनकी आकृति है, दिखेगी के दिखा होगा यही छोटो सो, अच्छा दिन आ जाएगा कई बार, ठीक है, बनाओ थे किशोक बनाओगा, बनाओ ए आइया, बनाओ 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 ए या बनाओ ए इसी आकृति बनाओ, इतनी छोटी ना बनाई थे बड़ी बना दो, क्या चिपकी तितली, आ तितली आकृति है, गिलेरी तितली ए कौन बताई करे, कोई नाराज हो जाए जो मन सल्तानी पड़ेगी, आपने पहले पढ़ा होगा चित्तौड़गढ़ की आकृति घोड़े के नाल जैसी है, सगड़ा लिखन लाग रहा सह राजी हो रहा, वाह घोड़े के नाल जैसी आकृति है, फिर आया कि बत्तख जैसी आकृति है जिला, अब अगर आके देने अनूपगढ़ की ऐसी है, दो चार को लाई जाए कहे तो कोई नहीं तो भी आ जाए, अब तू तू किसी को बताई तितली की, तू रहन दे तू लिख मैं दिखाऊं भी तो लिख, तू ज्यादा रहन दे लिखो, यानी किस साइड में कौन सा जिला है, चाहे जोधपुर को काटा हो चाहे जयपुर को काटा हो, ध्यान जैसे मान लो दो ही जिलों को काटा कि एक जोधपुर को काटा एक जयपुर को, दो भाग बनाए ऊपर दक्षिण, ठीक है,
गांव ऊपर रहेगा, शहर नीचे रहेगा। गांवान ज्यादा महत्व देना है, यानी ऊपर ये देखो जयपुर ग्रामीण ऊपर है शहर नीचे है, जोधपुर ग्रामीण ऊपर है शहर नीचे है। इसका मतलब दुद्दू जो है वो नीचे है, तो एक तो कौन सा जिला टच करेगा ऊपर, जयपुर ग्रामीण सॉरी जयपुर शहर, लिखो ऊपर लिखो इधर जयपुर शहर, इस साइड में साइड वही लिखना इधर वाली साइड, उन दोस्तों ना लिख दिया। ये है बेचारा अजमेर की देवकी तमाड़ो करे, देखियो बेचारा एकदम या त्रिभुज आकृति हो, देव किसी को काट लिए बनाए, अजमेर है वो, लिखो अजमेर अजमेर, टोंक की आकृति जगी नहीं बाइया चतुर्भुजाकार ही है, देखियो काट के शोक बनाए रे, ओ है टोंक। क्या कह क्या कह रहे, जैसे यासी हो गयो, यासी हो गयो, इधर तो है जयपुर शहर ठीक है, इधर क्या बताया अजमेर, नीचे टोंक, तीन तहसील है इसके अंदर, तीनों तहसील भरो तो भर लो, इधर तो है दुदू, अंदर भी भर लो तीनों तहसील दुदू, इधर है मोजम्माबाद यानी ऐसे दुदू, ये मोजम्माबाद, और ये कर दो फागी, ठीक है, और ये याद रह जाओ वजह है छोटो सो। अब बात आ करा के इनमें भी की है, ये तीन बताई, एक एक तो बताई मोजम्माबाद, बतायो एक बतायो फागी, और एक है दुदू, क्या हो हसी क्या क्या था, कहीं जिक्र नहीं है हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी में, आया है क्या, कहीं नहीं आया जिक्र, कहीं जिक्र नहीं आया, इसका भी पहली बार नाम सुना है आपने, इसका जिक्र जरूर आता है, मान सिंह जिसने मुगलों की सबसे लंबी सेवा करी, जो हल्दी घाटी में गया था वो मान सिंह, उस मान सिंह का जन्म हुआ था 1550 में, अकबर को कदे 1500, महाराणा प्रताप को कदे 1542, चंद्रसेन को कदे, रायसेन को कदे, यानी ऐसे साइना साई है, 10 साल बड़ा है कौन मान सिंह, मान सिंह का जन्म जो हुआ था वो यही हुआ था, लिखो मोजम्माबाद, हेडिंग डालो मोजम्माबाद, ये जो शहर है वो 973 ईस्वी में मोज नामक व्यक्ति ने बसाया था, पहले लिखो मोजम्माबाद लिखो, क्योंकि एक तहसील है इसके बारे में नहीं पूछेंगे, मैन शहर का पूछ सकते हैं कि किसने बसाया कब बसा, तहसील के बारे में नहीं पूछेंगे, तो तहसील है, बस इतना ही ध्यान रखो मान सिंह का जन्म मोजम्माबाद में हुआ बरकेट 1550, यहां मान सिंह का जन्म मोजम्माबाद में हुआ 1550 ठीक है, सात संख्या से यहां बहुत लगाव है, यानी यहां सात ही बावड़ी है, सात ही तालाब है, सात ही मंदिर है, सात ही मस्जिद है, लिखोगा कौन लिखो रहने दे, एक बुतों की बावड़ी भी बताते हैं यहां है, ये मोज नामक कोई शासक हुआ था 973 ईस्वी में, तहसील है तहसील का नहीं पूछेंगे भी, अभी तक आप जीके पढ़ते आ रहे हो क्या, पूछा क्या तारानगर की स्थापना किसने की, क्योंकि ये तहसील है, चूरू की किसने की ये पूछ सकते हैं, तो ये तो तहसील है नहीं पूछेंगे, जिले का पूछ सकते हैं तहसील का नहीं पूछेंगे, ठीक है चलो, उनकी कोई बात है ही नहीं, ना तो फागी की कोई बात आई है ना दुद्दू की कोई बात है, अब कम से कम एक से डेढ़ पेज छोड़ देना, कंजूसी ना करियो, अरे यार सही डाटा होना बहुत टाइम लगेगा, मैं भी करेक्शन कर कितनी बार करेक्शन कराऊंगा, ओ काटो यो लिखो, ओ काटो ओ लिखो, अब जिले की इतनी बात थोड़ी हो उसके, अब नया नया डाटा निकल गया होगा कि कितनी बात होगी वो बाद की बात है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल भी आएगा, स्थापना किसने की वो भी डाटा आएंगे,
लेकिन लगेगा समय इनमें, ठीक है। चल चेको ठीक है, इधर है पाकिस्तान है, ऊपर पंजाब, नीचे हरियाणा, फिर यूपी, एमपी, गुजरात, ये बॉर्डर भी तो बदल गई, वो भी बढ़ेंगे। पाकिस्तान से वर्तमान में 5 जिले लगते हैं, ठीक है, ये हम पहले याद कर चुके हैं। ऊपर से चलेंगे गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर और फिर जैसलमेर और फिर बाड़मेर, ठीक है। गुजरात से पहले कितने लगते थे, पहले तो मुझे पहले वाले बताओ, डूंगरपुर, उसके ऊपर बांसवाड़ा, उसके ऊपर उदयपुर, उसके ऊपर सिरोही, उसके ऊपर जालौर, उसके ऊपर बाड़मेर की लगती है, ठीक है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, पहले पहले ही बात कर रहे हो, मैं जो पहली बार पढ़ रही पिंगली तो वही पहलो ही है, लेकिन जो पहली रट चुकी है पिंगली वो दूसरो है। देखो गुजरात से पहले 6 जिले लगते थे, लगते तो अब भी 6 ही है, अब भी 6 ही लगते हैं, लेकिन जालौर का जो भाग था ना उसको नीचे वाला भाग काटा, जालौर ऊपर चला गया, जालौर नहीं लगता अब, जालौर के नीचे वाला भाग काटा जिसका नाम था सांचौर, यानी वर्तमान में गुजरात से जालौर की सीमा नहीं लगती है, सांचौर की लगती है, पहले लगती थी जालौर की। आओ मैप के अंदर देखा, ये बताए डोए, यो देखो वो निचलो निचलो काट दियो, वो जालौर ऊपर रह गई, ये टच नहीं कर रहा, कौन से हो गया, लिखो पहले तो हेडिंग डालो जालौर, सॉरी सांचौर, हेडिंग डालो सांचौर, सांचौर जिला, हेडिंग डालो सांचौर जिला, डाल दिया। अब नीचे लिखो गुजरात से, गुजरात से वर्तमान में 6 जिले सीमा बनाते, 6 ही पहली बनाता, 6 ही अब बना, वर्तमान में 6 जिले सीमा बनाते हैं, 6 जिला ऊपर से नीचे की ओर लिखो। आप पहले लिखो बाड़मेर, बाड़मेर, फिर नीचे लिखो सांचौर, सांचौर, फिर नीचे लिखो सिरोही, सिरोही, फिर लिखो उदयपुर, फिर लिखो डूंगरपुर और फिर लिखो बांसवाड़ा। पहले भी 6 थे, अब भी 6 है, लेकिन जालौर नहीं लगता, सिर्फ सांचौर ही लगता है, क्योंकि सांचौर ने नाम बहुत कमाया पिछले 5-7 महीने में, तो बोलते फिर गुजरात का लाग जाओ। देखो अब देखो क्या चीज सीखनी है अपन, नयो जिलो कौन सो बताना है, सांचौर, सांचौर का पुराना नाम बीनमाल बुना जालौर को है संचौर, संचौर से हो सकता है सत्यपुर बना होगा और सत्यपुर से हो सकता है सांचौर बना होगा, लिखो प्राचीन नाम संचौर या सत्यपुर, संचौर या सत्यपुर, सत्यपुर या सांचौर, उपनाम राजस्थान का पंजाब, 5 नदियां बहती है ना, किससे काटा लिख दो तो जालौर से काटकर, जालौर से काटकर, कोई नदी वदी है क्या है,
लूणी नदी किनारे नहीं है के? चलो देखो अब आप आने की तहसील रुपए देखनी एक बार। सांचोर में जो नाम है ना, इस नाम में ही उसकी टोटल कितनी तहसील है? चार है। नाम में ही तहसील छुप रही है। दो शब्दों बने हैं सा और चोर, कोई उल्टो गलत अर्थ ना निकाल लीजिएगा। ठीक कोई है क्या सांचोर को? और तेरी बहुत दूर आई है, है? क्यों बड़ी दूर आई नहीं? अब तो गुजरात के लागो फिर टच होगी, कौन सो गांव है? तहसील बता कौन सी लागे तेरे? अरे वाह तेरे चितलवाना आ जाएगी, तो भाभी आ जाएगी। देखो चार तहसील है, तीन तहसील तो नाम में ही आ जाएगी। दो शब्दों बने सा और चोर। पहले लिखो सा, सा से पहली तहसील सांचोर। चित्तलवाड़ा जी आप बैठिए नहीं, चित्तलवाड़ा की जैसे चित्तलवाड़ा, दूसरी तहसील लिखो चित्तलवाड़ा। चित्तलवाड़ा रैसे लिखो रानीवाड़ा, रैसे लिखो रानीवाड़ा। एक और बचगी तो सांचोर ना पाने शाबाशी भी देनी पड़ेगी। सांचोर शाबाशी कर लियो, कौन सा शब्द बच गया? बे। चौथी तहसील लिखो बागोड़ा, 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 बागोड़ा। अब नाम थे पहली बार ही सुनिए क्या करा तो है। अब चित्तलवाड़ा की तो एक बैठी है, चित्तलवाड़ा नाम भी आपने पहली बार सुना होगा, ये नाम भी पहली बार सुना होगा, दो ही नाम सुने हुए मिलेंगे आपके। रानीवाड़ा में डेयरी है एक, तो डेयरी के समय जिक्र होता है रानीवाड़ा का, बाकी और चमड़ा उद्योग के लिए भी है, आपने इसका नाम कई बार सुना है। लिखो तो पहले सांचोर, सांचोर है क्या? कह चित्तलवाना है ये, मैं चित्तलवाड़ा लिख दियो वानस। अरे बताओ टाइम लग गया को तो है, ले चित्तलवाना लिख लिया, अब लिख ले। एक नंबर लिखो सांचोर। अच्छा एक नंबर, एक मिनट रुको, पहले तो भी आकृति तो देखो ठीक है, चित्र तो बनाओ, आकृति ठीक है देख लेते, जिसी भी है बनाओ है, इसी बनाओ, बनाओ किसी का बता, तू बता तितली वर्गी है पंख क्या वर्गी है, है? होगी मछली, त्रिभुजाकार भी को नहीं है क्या? लिखो दे जिला बनाओ, ऊपर लिखो बाड़मेर, इधर लिखो बाड़मेर, इधर लिखो बालोतरा, बालोतरा, ऊपर नीचे ना लिख दिया, इधर ये लिखो जालोर, ये लिखो सिरोही, नीचे गुजरात, नीचे गुजरात। वैसे प्रश्न बाद में देखेंगे, इसके चार जिलों की सीमा, सर्वाधिक जिलों की सीमा, न्यूनतम वो अभी रहने देते हैं, ठीक है वो बाद में कर लेंगे बातें, अभी सिर्फ मेन मेन चीजें जो कि आपने याद रहे इसके पे। देखो अब देखो चार तहसील बताई कौन सी, एक तो सांचोर, जैसे चित्तलवाना, राय से रानीवाड़ा, वह थे तो होशियार हो, शाबाश बांगोड़ा, वाह कितना होशियार छोरा है, एक ही बात है छोरो छोरी बराबर को नहीं है, उससे एक ही बात है, बहुत होशियार हो।
सांचौर का जिक्र कई बार आएगा। एक तो यहां से अब एनएच 15 भी गुजरता है, जो पहले गुजरता था। नवीन नाम क्या है इसका वो देख लेना आप, ठीक है। पहले एनएच 15 जो था, अब नया नाम क्या है वो मेरे याद को नहीं, मत बोध पहले पढ़ाए जो 15 हो, बाद में भूल गया मैं, लिख लो। 21 नदी के किनारे लूणी, लिखो लूणी नदी के किनारे, लूणी नदी के किनारे बाबा रघुनाथपुरी को मंदिर है गे बेटा, ये किन्ने वैसा चोरारी है गे चौखो पालड़ी बालड़ी कोई गांव में। अरे अब तो छोटी छोटी चीज भी जीके में बोली पढ़नी पड़ेगी, पहले बड़ा जिला था मैं, अब भी जिला में जब दो चार मंदिर बच्चे है फिर पढ़ना ही पड़ा। अब सोचो तारनगर अगर जिलो बन गया तो फिर थान पढ़ाना पढ़ार मेन मेन चीज है, छोटो मोटो कोई मेरो बनाए मंदिर ही पढ़ाना पढ़ार, बोले कम से कम एक आधो तो बताओ जीके में पढ़ेगा ठो मंदिर है। लिखो बाबा रघुनाथपुरी का मंदिर पालड़ी सोलकियान गांव में है, पालड़ी सोलकियान गांव, पालड़ी गांव लिखते हो, पालड़ी पालड़ी क्या रहने दो, रहने दो बाद में देखा। रानीवाड़ा लिखो गोगा जी की ओलड़ी सांचौर में है ना, लिखो तो फिर गोगा जी की ओलड़ी के ओलड़ी ओरड़ी गोगा जी की ओरड़ी लिखो 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 ददरे हो तो अठसा रही है 15 किलोमीटर ही है। अब बाद में मैं वह गोगा जी को मिलो, देखिए जाइए है मिले जाऊंगा 500-500 रुपया दो, यस 500 तो लगे ही को नहीं तो 30 रुपया के तो लिया थे तो है कोई ढंगो ला गए तो लिया नहीं के तो लिया ले तो जाओ हूं भाई रमानो जी फिर कोई कोई आ लेगो, अरे मैं जा रही हूं तुम भी आ जाना बाबू, अब वो बाबू रात गाल लेगो बेटे। चलो के बतायो रानीवाड़ा लिखो रानीवाड़ा, बड़ी डेयरी है क्या, बड़ी डेयरी तो पद्मा में है, तो रानीवाड़ा में कौन सी डेयरी है सबसे बड़ी, तो पद्मा नहीं है क्या, क्या प्रथम डेयरी है क्या, प्रथम है ना तो लिखो प्रथम डेयरी रानीवाड़ा। अब रानीवाड़ा पहले जालौर लिखते थे, अब सांचौर, बार बार ऐसे ही पढ़ना रानीवाड़ा सांचौर रानीवाड़ा सांचौर। पद्मा बड़ी नहीं है क्या, पद्मा अगर प्रथम है तो ये सबसे बड़ी है, फिर लिखो सबसे बड़ी डेयरी रानीवाड़ा सांचौर, चमड़ा उद्योग के लिए भी फेमस है ये। चिंता ना करो याद करा देंगे ओ जी के, लेकिन मन बहुत माथो मारना पड़े छोटा ब्रो, हाँ तो मन मारना ही पड़ेगा माथो, गलत दाता बता दी आज के लगाऊ करती गुरु जी हो गए करिए बार तो पूरे खराब करके छोड़ दी ना पहले डोई टीको है। बोरिंग तो हुई पुराने लिख के करा कई चीजों, अब तू बता दी तो लुगाई हुई जा लेकिन के कर लिया तू बता, ऑप्शन कौन पढ़ाना ही पड़ेगा भी ले के बताओ मैं छोड़ो बाता ना लगाई करो मन, ठीक है। आते हैं इधर, काम की चीज है ढंग से समझना, इस पार्ट को लिए मैंने सबसे ऊपर पंजाब, सबसे ऊपर है पंजाब, पंजाब के नीचे हरियाणा और हरियाणा के नीचे यूपी, इधर एमपी है, ठीक है। अब देखो पंजाब से दो जिले लगते थे, अब भी दो ही लगते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़, ठीक है इतना। हनुमानगढ़ की सीमा से शुरू हो जाता है फिर हरियाणा, ठीक है। पहले हम पहले वाली बात करते हैं, अब की बाद में करेंगे, हम पहले करते हैं पहले वाली बात, पहले क्या लगता था हरियाणा से किन किन जिलों की सीमा लगती थी, यहां तक लगती थी, ठीक है। देखो हनुमानगढ़ की लगती थी, हनुमानगढ़ के जस नीचे चूरू, चूरू के जस नीचे झुंझुनू, झुंझुनू के जस नीचे
सीकर, सीकर के जस्ट नीचे पहले वाली जयपुर, पहले जयपुर की लगती थी, फिर अलवर शाबाश, फिर भरतपुर, यानी यहां तक लगती थी। कितनों की? एक दो तीन चार पांच छह सात, पहले लगती थी ये, तो ये तो पहले लगती थी। अब लगती है आठ की, और इनमें से भी तीन कम हो गए, फिर भी आठ की लग रही है। तीन कम हो गए, आमू भी सीकर की नहीं लगती, जयपुर की नहीं लगती, भरतपुर की भी नहीं लगती। पहले तो अपन कौन सो देखना है, पहले तो अपन जिलो देखने वो देखा। ये था आपका सीकर, ठीक है। सीकर के ऊपर गोद में था झुंझुनू, यही तो, और ऊपर चुरू हुई हुई तो वो झुंझुनू और सीकर। तो सीकर ने जो काटे नहीं, अब बॉर्डर लागे, इधर बॉर्डर लगती है हरियाणा, तो यहां से काटा, यहां से काटने की वजह से थोड़ा झुंझुनू की जरूर लगी, लेकिन सीकर की नहीं लगी। फिर सीकर की इस साइड को काट दिया, देखो मैप में आओ, यो देखो दिख रही है, ये है हमारा चुरू की नहर है, वो तो हनुमानगढ़ है, ये चुरू है और वो झुंझुनू है ही, अच्छो नाश करे झुंझुनू बोरे, वो झुंझुनू है, ये सीकर है, बची गई नहीं लग रहा। उसके नीचे नीम का थाना, अब हमें नीम का थाना पढ़ना है। ये इधर वाली साइड काटी, काटने की वजह से सीकर की नहीं लगी। अब जयपुर की देखो क्या है, जयपुर की सीमा ये लगती थी यहां तक, लेकिन जयपुर ऊपर ने बाघ ने काट दिया, एक नीमो थाना इन हो गए कोटपुतली, जयपुर का एक जिला काट दिया कोटपुतली, कोटपुतली की सीमा लगती थी, जयपुर भी हट गया। उसके बाद में खेरथल, अलवर का ऊपरी हिस्सा, अलवर की लग रही है अभी, ठीक है। डींग की लग रही है, भरतपुर की अब नहीं लग रही, क्योंकि भरतपुर को ऊपरी हिस्सो डींग भी काट दियो, इस वजह से अब हरियाणा के भरतपुर की, यानी तीन जिलों पहले थे, लिखो हरियाणा से पूर्व में, ऐसे लिखो, पहले तो ऐसे लिखो, नई लाइन में लिखो, हरियाणा से पूर्व में, पूर्व में पहले तो पुराने वाले जिले लिखो, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, चूरू, चूरू, हनुमानगढ़, चूरू, चूरू के नीचे झुंझुनू, झुंझुनू की अब भी लगती है झुंझुनू, लेकिन अब सीकर की नहीं लगती, सीकर की जगह नीम का थाना की लगती है, लिखो नीम का थाना, झुंझुनू के बाद में लिखो नीम का थाना। सीकर, चूरू, झुंझुनू, फिर नीम का थाना लिखना है, सीकर नहीं लिखना, अच्छा पुरानी लिखनी है, सॉरी पुराना लिखना, लिखो सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, लिखो वर्तमान में हरियाणा से। अब वर्तमान वाला याद करना है, पहले वाला तो मैंने ऐसे लिखा दिया, जिसके पहले वाला याद है ना उसको बिल्कुल समस्या नहीं आएगी, नई चीज आती है उसका दिमाग तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा तुरंत, और नयो जो है वो तो बीते टाइम लागो जी तो थाने पहली बार पढ़ने में लगे। वर्तमान में हरियाणा से आठ जिले लगते हैं, वर्तमान में हरियाणा से आठ जिले लगते हैं, आठ जिले लगते हैं, आठों जिले लिखो ऊपर से नीचे की ओर क्रम है, घर जाके भी इनकी प्रैक्टिस करना। सबसे पहले वही हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, चूरू, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, झुंझुनू, सीकर से काटा नीम का थाना, तो लिखो नीम का थाना, सीकर नहीं लिखना है अब, नीम का थाना, नीम का थाना, फिर जयपुर से काट दिया कोटपुतली, जयपुर की अब नहीं लिखेगी, लिखो कोटपुतली बहरोर, कोटपुतली बहरोर, एक ही नाम है, दो अलग अलग ना करती है, कोटपुतली बहरोर। फिर है खेरथल, ये अलवर से काटा था खेरथल, खेरथल, अलवर की अब भी लगती है, अलवर, खेरथल के बाद लिखो अलवर, फिर लिखो डींग,
और भरतपुर की अब नहीं लगती है डीग के जल महल है। हां भरतपुर भरतपुर की नहीं लगेगी अब। कोनी समझ में आएगी थारे बेटी का बापू? टाइम इतना जल्दी क्या होगा? मैं बकवास ज्यादा कर ली मैटर कम बताए हुए। टाइम क्या होगी? 51 मिनट क्या होगी? हाँ क्या लेट आए होगी? अच्छा आ तो गयो इतो मैटर रट के आ तो गयो। मेरी मानता देखो थे कि तू महान आदमी हूं मैं। साड़ी बजाना रही कोई बात को नहीं रिपिया कमा जब बढ़ान क्या बढ़ान। देखो मैं कोई थार खातर कौन कर रहे हो? मेरे खातर कर रहे हो। बाकी मैं थाना इकूंगा थार खातर मैं कितनी मेहनत कर रही हूं। थे को कहा ओहो हो गुरजी बिचारा यार। दोबारा देखते हैं हम पुराने वाला पाकिस्तान पंजाब हरियाणा यूपी एमपी और गुजरात पुराने वाला 4 2 7 2 10 6 यही तो 2 7 पहले वाला बता रहा हूं मैं पुराने वाला। पुरानी ये सीमा थी हमारी। अब आते हैं नई के ऊपर रट लेना इसको। वही पाकिस्तान पंजाब हरियाणा यूपी एमपी गुजरात। पाकिस्तान से तो चेंज होके 4 की जगह हो गया 5 ठीक है। गुजरात से उतने ही है लेकिन जिला बदल गए जालौर की जगह सांचौर अब उतने का उतना ही है। पंजाब से वही है जो पहले थे गड़बड़। एमपी से भी वही है जो पहले थे क्योंकि इधर वाले डूंगा विचारों को काटा ही नहीं आड़ोती वाले किसी को काटा ही नहीं। इससे भी वही है। इसका मतलब एक तो पाकिस्तान बदला एक बदला है हरियाणा और यूपी। हरियाणा से अब कितने 8 यूपी से 3 है। अब यूपी से 3 है एक डीन की ओर है डीन जो काट दिया ना अब डीन की यूपी से भी लगती है और हरियाणा से भी लगती है। तो यूपी से अब है 3 2 8 3 10 6 कैसे लिखोगे? पहले तो आओ रब पेच में ठीक है रब पेच में दोनों साइड बनाओ ऐसे नक्शा बनाओ ऐसी पतंगाकार बनाओ। सुंदर बनाने की कोई जरूरत नहीं है ऐसे करो पूर्व है और अब ठीक है। इधर लिखो पाकिस्तान ऊपर लिखो पंजाब हरियाणा यूपी एमपी गुजरात ठीक है। अभी हम हमारे वाले याद करेंगे उनके वाले तो वही रहने हैं उनके तो बदलने ही नहीं है ठीक है। लिख दो पहले यहां 4 थे 2 7 2 10 6 आ जाओ अब। वही इधर लिखो पंजाब हरियाणा पंजाब इन्हें लिख दियोगे पाकिस्तान पंजाब हरियाणा यूपी एमपी गुजरात। एक बार सिर्फ जिलों की संख्या अलग ने जिले बाद में लिखते रहेंगे ठीक है। यहां कर दो 5 यहां कर दो 2 यहां कर दो 8 यहां कर दो 3 यहां कर दो वही 10 और यहां 6 एक बार इधर भी देखें क्या मैप में क्या सही दिख रहा है कि आप सही तो काट लिया नहीं मैटर कदा मैटरी गलत काट लिया चेक कर लेते हैं। पाकिस्तान से 1 1 2 3 4 5 एकदम सही। हरियाणा से ये पंजाब से ये ठीक है। फिर हरियाणा से 1 2 3 4 5 6 7 8 अब अगर जब तक आपके पास सही डाटा नहीं आएंगे तो आप हो सकता है गलती से भरतपुर को भी कर दो क्योंकि भरतपुर की सीमा तो अब भी लग रही है और आपको यह पता नहीं कि हरियाणा की कहां तक है तो बहुत छोटा भाग कवर करता है ऊपर वाला थोड़ा सा
इस वजह से डींग ले गया, भरतपुर की नहीं लगेगी। अब आ जाओ नीचे, नीचे क्या है, यूपी है, तो यूपी से एक डींग हो गया, एक भरतपुर हो गया, एक धौलपुर हो गया, तीन। इसमें कोई नया जिला बना ही नहीं, वो के वही है, कोई चेंजिंग नहीं आई, इसमें देखने की जरूरत है नहीं, पहले से दस लगते इधर छह है, ठीक है। तो आज भी दो ही जिला हो पाया, तीन थोड़ी हो गए, दो ही है, सांचोर दो ही है, दूदू। एक तीसरा लिखना था नीम का थाना, हेडिंग डाल के छोड़ दो, कल पढ़ेंगे फिर नीम का थाना।